हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म टैग के एलिमेंट्स। लास्ट सेशन में हमने किया था फॉर्म टैग क्या होता है और फॉर्म टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, राइट। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस, फॉर्म टैग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें मल्टीपल वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके पहले फॉर्म टैग, फिर इनपुट के अंदर टाइप, इस तरह करके सारा पहले कंट्रोल बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे फॉर्म टैग के एलिमेंट्स। फॉर्म टैग में भी मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, ऑप्शन, फील्ड, सेट, लेवल, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है इनपुट। तो आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लियर। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप का मतलब होता है कि आप किस टाइप का कंट्रोल बनाना चाहते हैं, बटन, चेकबॉक्स, कलर, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो ये डिफाइन करता है कि आप इनपुट टैग में कौन सा टाइप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। टाइप में मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो गाइस, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक एक करके जितना भी कवर कर पाए आज हम कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड कहते हैं जिसे। लास्ट सेशन में फॉर्म बनाने से सीखा था। जिसको ये इसके बारे में जानकारी नहीं है कि विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वीएस कोड ही यूज करें, आपके पास जो भी एडिटर हो, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, आप किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए यूज करते हैं। अब फॉर्म टैग, ऑलरेडी हमने फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कर लिए हैं, तो हम इसे क्लियर कर देते हैं और इनपुट टाइप सबमिट रहने देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स हमने कल बनाया था, इसके एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट पे, ठीक है। टाइप में जो इसकी वैल्यू है उस पे। तो टाइप का मतलब, सबसे पहले हमने टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ईमेल के लिए दे देंगे ईमेल, ठीक है। अब रन करके एक बार देख लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। दोनों टेक्स्ट बॉक्स ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं अगर नेम में ये डाल दूं वैल्यू और ये सबमिट करूं, तो ये बोलेगा ईमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है ईमेल, तो ईमेल में एट द रेट होना जरूरी है, राइट, एट द रेट डॉट, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं इनपुट टाइप ईमेल, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल के बाद हम नेक्स्ट कंट्रोल बनाते हैं पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं PASWORD, ठीक है। चेक करते हैं एक बार इसको, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब पासवर्ड जब भी कोई आप वैल्यू टाइप करेंगे, चाहे वो अल्फाबेटिक हो चाहे न्यूमेरिक हो, ये देखिए आपका वो हिडन मोड में आएगा, इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। ऑटोमेटिक वो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हिडन फॉर्मेट में आएगी, क्लियर। उसके बाद टेलीफोन, तो इनपुट टाइप इसके लिए होता है TEL, टेलीफोन फोन नंबर के लिए यूज किया जाता है। आप मोबाइल या फोन नंबर कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करेंगे, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पे, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो DOB है, तो इसमें हमारे पास डेट का फिकर लगाना पड़ेगा, ठीक है, डेट, ठीक। करके देखते हैं एक बार, ये देखिए डेट टाइम फिकर आ गया, हमारे डेट फिकर, टाइम नहीं डेट, ठीक। तो इसमें से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्लियर। अब इसी में होता है डीओबी के साथ, डीओबी के साथ अगर मैं चाहूं कि डीओबी विद टाइम आ जाए, ठीक, ये हेडिंग दे दी, तो यहाँ पे होता है डेट टाइम लोकल, डीओबी विद टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो डेट, और यहाँ पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम सिलेक्ट करना है। ये देखिए 7 जनवरी 2023, 23:30 का मतलब 11:30 रात के, ठीक है, 24 आवर्स फॉर्मेट में होता है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे देना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे देना है मुझे जेंडर, ठीक। तो जेंडर के लिए हम लगाते हैं रेडियो बटन,
ठीक है, रेडियो बटन वहाँ यूज करते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ट्रू हो। तो यहाँ पे दे दिए जैसे मैंने मेल, और दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने फीमेल, और एक और ऑप्शन दे देते हैं हम यहाँ पे अदर का। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेल फीमेल अदर, तो जेंडर का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक ऑप्शन। अब लेकिन यहाँ पर अभी क्या है प्रॉब्लम आई कि ये देखिए तीनों ऑप्शन चेक हो, जो कि गलत है भाई। जेंडर में या तो मेल होगा, फीमेल होगा या अदर होगा, तो इसके लिए हमें करनी पड़ती है ग्रुपिंग। तो इन तीनों कंट्रोल को नाम सेम करना पड़ेगा। तो नेम इक्वल टू जो भी आप नाम दे, नाम यूजर डिफाइंड है, कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं, एबीसी एक्स वाई जेड जो भी नाम देंगे, उन जितने भी आपने रेडियो बटन बनाए उन सब का नेम सेम करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, जब ग्रुप सेम हो जाएगा तो ये किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने किया गया केवल के लिए टेक्स्ट, ईमेल आईडी, पासवर्ड, टेलीफोन नंबर, डेट हो गया। अब कर लेते हैं एक और, इसी की कॉपी करते हैं, और ऑलरेडी हमने नीचे एक इनपुट टाइप सबमिट बनाया हुआ है, सबमिट मतलब बटन, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने एच ओ डब्ल बी वाई हॉबी, ठीक। इसके लिए हम यूज करते हैं चेकबॉक्स, क्योंकि चेकबॉक्स का मतलब होता है जहां मल्टीपल ऑप्शन में से आपके मल्टीपल ऑप्शन सही होने के चांसेस होते हैं, वहां चेकबॉक्स। अगर एक सिंगल होगा सही तो उसके केस में रेडियो बटन, अगर मल्टीपल होंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे चेकबॉक्स, ठीक है। यहाँ पर नाम देने की जरूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं, टाइप सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया हॉबी में भाई, जैसे मैंने दे दिया रीडिंग बुक्स, ठीक, और दूसरी हॉबी दे दी मैंने ट्रैवलिंग, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया प्लेइंग, जो भी आपकी हॉबी है बोल दे, क्रिकेट, क्लियर। चेक कर लेते हैं, ये देखिए रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग। अब मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर चेकबॉक्स का मतलब ही होता है कि मैं मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, एक या एक से ज्यादा, क्लियर। आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। अब इसमें होता है एक इनपुट टाइप फाइल, यहाँ पर हम दे दिया यूपीएल अपलोड इमेज, और यहाँ पर दे दिया इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, सेव करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया चूज फाइल, कोई भी एक फाइल सेलेक्ट क्लिक किया, और जो भी आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, जब नहीं कि वो फाइल इमेज ही हो, ये तो मैंने नाम दिया है, आप अपलोड एनी फाइल कर सकते हो, ठीक है, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, कोई भी फाइल आप चूज कर सकते हो। और इसमें भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, अब यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे देखिए फाइल का नाम विद एक्सटेंशन आ जाएगा। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कि हम कौन कौन सी फाइल इसमें अलाउ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया कि भाई प्रोफाइल पिक अपलोड कीजिए, प्रोफाइल पिक का मतलब क्या होता है, इमेजेस ही अपलोड करेगा, वर्ड एक्सेल तो अपलोड नहीं कर सकते ना, तो उस केस में हम यहाँ पर एक्सटेंशन का वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। वो अभी हम इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में कवर करेंगे, अभी हम कर रहे हैं टाइप में, सिर्फ टाइप में कर रहे हैं, इनपुट के एट्रीब्यूट में हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, यहाँ देते हैं यूआरएल, ठीक। URL का मतलब हो गया इनपुट टाइप, हमने दे दिया URL, ठीक। चेक कर लेते हैं URL करता क्या है, URL यहाँ पे। अब जैसे अभी किसी पेज का आप URL अगर दे यहाँ पे, अभी आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो सबमिट करो तो ये बोलेगा प्लीज एंटर अ URL, वैलिड URL दीजिए आप, अभी URL जो आप दे रहे हैं वो गलत है। तो मैं ऊपर वाले को कॉपी करके एक बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सबमिट की, अभी ले लिया इसने, ठीक है। क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर कोई एक प्रोटोकॉल जरूर होगा, HTTP HTTPS FTP, ठीक है। तो वैलिड URL वही होता है जहाँ आपके URL में कोई एक प्रोटोकॉल होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है और HTTP क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो URL भी एक हमारा इनपुट टाइप कंट्रोल होता है। इनपुट टाइप कंट्रोल नॉर्मली क्यों होता है, यूजर से हम डेटा ये इनपुट करें और डेटाबेस में हम सेव करें, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट सेशन में, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप के अंदर जो भी हमारी वैल्यू रिमेनिंग है उन सबको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।